बरसाती मौसम शुरू होने के बावजूद भी सिरमौर जिले के शिल्ला गांव में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। गांव में पिछले लगभग 7 दिन से पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। ग्रामीण हर अधिकारी के पास शिकायत कर चुके हैं, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है। ऐसे में ग्रामीणों ने कफोटा स्थित जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता का कार्यालय जाकर घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के हर स्तर के अधिकारी को शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, लिहाजा ग्रामीण कफोटा स्थित जल शक्ति विभाग के कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव को वाटर सप्लाई करने वाली पेयजल स्कीम के पंप बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन खराबी आने पर पुराने पंपों की रिपेयरिंग कर दी जाती है, जबकि ग्रामीण पिछले कई सालों से पुराने पंप बदलने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस पर भी पेयजल योजना का पंप खराब हो गया है। पंप को बदलना तो दूर, इतने दिनों में विभाग उसे ठीक भी नहीं करवा पाया है। पानी नहीं है, हम पूरा गांव इकट्ठा होके आए हैं और इसकी शिकायत पत्र हमने यहाँ सब डिवीजन में दिया हुआ है। और हमारे गांव में 40 साल से पंप जो लगे हुए हैं, पुराने पंप, वो पुराने पंप है और 100 बार रिपेयर हो गए, कम से कम 20 बार रिपेयर हो गए। और 6 महीने से एक पंप बुरी तरह ठप पड़ा हुआ है और जो वहाँ कर्मचारी है उन्होंने SDO को JEE को बार बार अवगत करवाया कि हमारे पंप हाउस का एक पंप खराब है और 5 दिन से दूसरा पंप भी बिल्कुल बैठ गया है। और बार बार इनसे अनुरोध करने पर भी हमारे पंप ठीक नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए अगर आज पंप ठीक नहीं हुए, हमारे को पानी की सुविधा नहीं मिली, कल पूरी महिलाओं और युवा बुजुर्ग और जितने भी गणमान्य व्यक्ति हमारे गांव के यहां सब डिवीजन में धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हो गए। पानी नहीं है शिलापुर गांव में और हमारे यहां भी बरसात में जो है ना पूरे नाले नदियां बह हुई है और गांव जो है इतने परेशान है कि बिल्कुल बुरी तरह हमारे यहाँ पीने का पानी भी नहीं है। पशु हमारे प्यासे मर रहे हैं और अभी गांव में हमारे जागरण है, शादियां हैं और हम जो है ना बहुत आतायात बुरी तरह हम परेशान हैं। तो इसलिए हम अभी एक्शन साहब से हमारे टेलीफोन पे बात हुई है तो हमने एक्शन साहब को भी लिख के भी दे रहे हैं और हमने मुँह जुबानी भी बात की। हम कल मंत्री जी से भी मिलेंगे, चाहे हमें शिमला जाना पड़ेगा, और हम मुख्यमंत्री को भी इस बात के बारे में अवगत करवाएंगे कि अगर हमारे गांव में इस किस्म की दिक्कत है और हर हफ्ते के बाद ही दिक्कत तो शुरू हो जाती है और जब हम प्रशासन से मिलते हैं तो SDO साहब हमें जो ये जरूर बोलते हैं कि जी हो जाएगा करते हैं नहीं। तो इसलिए हमने जो आज आप लोगों को अवगत करवा रहे हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी और हमारे मंत्री उद्योग मंत्री जी से भी और एक्शन साहब से भी और SC से भी। शाम तक पानी नहीं आया तो कल जो है हम जो है बुरी तरह इसका असर होगा सरकार को भी और हम धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरा मेला मंडल भी, गाँव भी, और हम जो है इसकी कार्रवाई बहुत आगे तक ले जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।